वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर प्रीता को जेल से छुड़ाने के लिए करण काफी ज्यादा कोशिशें करते हुए नजर आने वाला है, लेकिन करण के हाथों में निराशा लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर एक नया प्लान बनाते हुए नजर आने वाली है माहिरा और उसके साथ साथ शर्लिन, और शर्लिन को झटका तो तब लगेगा जब माहिरा खुलासा करेगी कि आखिर में उसने कुछ इस तरह से कहानी गढ़ी है जिसकी वजह से सारा का सारा शक प्रीता के ऊपर जाए। लेकिन आखिर में यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी में अब पृथ्वी भी फंसते हुए नजर आने वाला है। उसके पास में कॉल आएगी और उसको जाना पड़ेगा यहाँ पर मिलने के लिए, वो भी अक्षय की गर्लफ्रेंड से, लेकिन कुछ पैसों के साथ में। लेकिन आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको जल्द ही पता चलेगा। तो उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं सारी डिटेल की आखिर में आने वाले एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सरला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल होकर अब सृष्टि को और उसके बाद में समीर को और उसके साथ साथ खुद को यहाँ पर बोलेगी कि अब मैं प्रीता को बाहर निकाल कर रहूँगी जेल से, जिसके बाद में अब यहाँ पर सृष्टि और समीर मिलकर एक नई यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आखिर में प्रीता को जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा कर निर्दोष साबित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप सबके लिए एक और नया ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब यहाँ पर प्रीता को छुड़ाने की कोशिश करने वाला है करण, लेकिन करण की सारी कोशिशें नाकामयाब होते हुए नजर आएंगी क्योंकि यहां पर कोर्ट में बेल मिलने से पहले ही कोर्ट बंद हो जाएगा। और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में अब यहां पर प्रीता काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है करण के बारे में सोचकर। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये सारे ट्विस्ट देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।